कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 50 दिनों से लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते पूरी तरीके से व्यापार अस्त व्यस्त है। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा थोड़ी बहुत ढिलाई बरती गई है। वहीं जहां एक तरफ पूरा मार्केट खुला हुआ है तो दूसरी ओर फुटकर सब्जी व्यापारी का मार्केट बंद है, जिसमें सब्जी मंडी स्थित इक्का दुक्का सब्जी व्यापारियों द्वारा दुकान खोल रखे हैं। वहीं आज दोपहर पुलिस द्वारा फुटकर सब्जी व्यापारियों पर बल का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में शाम तक पूरे सब्जी व्यापारी एकत्रित हो गए एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फैसला लिया गया कि फिलहाल सब्जी मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद की जाती है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी द्वारा अध्यक्ष जेपी कुशवाहा से रीवा एसडीएम फरीहन खान से बात भी कराई गई, परंतु कोई सहमति न बनती देख फिलहाल बंद किया गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन फुटकर सब्जी व्यापारियों के संदर्भ में क्या फैसला लेता है। प्रयागराज न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट।